सभी को हमारे YouTube चैनल पर। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो एक छोटा सा वीडियो लेकर आप लोगों के सामने फिर से हम हाजिर हैं और सोचा कि ये वीडियो आप लोग से शेयर करें, क्योंकि हम डिनर रेडी करने जा रहे थे। सो हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने डिसाइड किया कि क्या खाएं आज रात को। तो सोचा कि घर पे थोड़ा सा पास्ता खड़ा हुआ था, तो उसी को हम लोग खाएँगे। अभी चिकन लेके आए, पहले तो सोचा कि हम वेजी पास्ता बनाएंगे, फिर नहीं पास्ता खाना है तो नॉन वेजी अच्छा होता है। तो हम लोग थोड़ा सा चिकन लेके आए और अभी दिखाएंगे क्या क्या हम लोग सामान डालने वाले हैं, क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स डालने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच आप लोग का प्यार सपोर्ट, जिस तरह से आप लोग दे रहे हैं हमारे वीडियो में, और ऐसे ही प्यार सपोर्ट करते रहिएगा। और चैनल पे नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, और कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा आप लोगों को किस तरह का पास्ता खाना पसंद है। जैसे कि हम लोग को तो ज़्यादातर नॉन वेज ही खाना पसंद है, तो आप लोगों को किस तरह का पास्ता खाना पसंद है तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिएगा। और बिना भूले सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाइए। तो गाइस देखिए, यहाँ पर चिकन रेडी है हम लोग का, और ये है गाजर, कैप्सिकम और ऑनियन। इतना ही, सिर्फ चार सामान को डालकर मैं बनाने जा रहा हूँ पास्ता, और अभी सबको काट कर। सो गाइस ये अभी देख सकते हैं, मैंने सारा चिकन भी कटिंग हो चुका है यहाँ पर, सब कुछ गाजर कैप्सिकम प्याज सब कुछ रेडी कर लिया है काट कर। अभी हम बनाना शुरू करेंगे फिर। और गाइस यहाँ पर देख सकते हैं, एक साइड पर हमारा पास्ता के लिए पानी गर्म हो रहा है, और यहाँ पर तेल गर्म हो चुका है कढ़ाई पर। तो इसको हम लोग ने क्यों गर्म किया है, क्योंकि अभी हम पकाएंगे चिकन, चिकन अलग से थोड़ा भुनेंगे इसको। और तेल गर्म हो चुका है और यहाँ पर जाएगा चिकन, और चिकन को सिर्फ सादा भुनना है, और इस पर सिर्फ हम लोग प्याज डालेंगे और उसके बाद इसको अच्छे से पकाएंगे। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पर पानी उबल गया है, अभी हम डालेंगे यहाँ पर पास्ता, तो इसको एटलीस्ट 4 to 5 मिनट्स इसको पकने देंगे पूरा, उसके बाद फिर इसको निकालेंगे। तो ये देख सकते हैं गाइस, हमारा पास्ता बॉयल हो चुका है, और यहाँ पर मैंने टमाटर भी डाला था पकाने के लिए, और ये टमाटर हम चटनी बनाने के लिए यूज़ करेंगे। गाइस इस तरफ देख सकते हैं मेरा चिकन भी फ्राई होकर रेडी हो चुका है, मैंने हल्का सा ही ब्राउन बनाया इसको, ज़्यादा ब्राउन नहीं किया है, क्योंकि अभी सभी सामानों के साथ भी, सभी इंग्रेडिएंट्स के साथ भी इसको फिर पकाना पड़ेगा अच्छे से मसाले के साथ। सो अभी हम स्टार्ट करेंगे सब कुछ फिर से पकाने। गाइस हमारा तेल गर्म हो चुका है, और मैं आज थोड़ा सा ट्विस्ट डालने वाला हूँ, ट्विस्ट करने वाला हूँ पास्ता को। पहले हम डालेंगे थोड़ा सा लहसुन, मेरे बारीक काटा हुआ था, इसको ऐसा डालेंगे, और इसको डालते ही हम लोग डालेंगे प्याज, यहाँ पर आ चुका है, और इसको अच्छे से फैलाएंगे, थोड़ा सा पकने देंगे इसको, उसके बाद फिर बाकी चीज़ डालेंगे, बाकी चीज़ें डालेंगे हम इस पर, और सबको एक साथ पकाएंगे। पहले हम डालेंगे गाजर, अच्छे से चलाएंगे, उसके बाद डालेंगे कैप्सिकम, सब चीज़ को अच्छे से पकाकर थोड़ी देर के लिए हम डाल देंगे इसको, और अच्छे से पकने देंगे, और उसके बाद बाकी हम नमक वगैरह सब कुछ डालेंगे। अब ये थोड़ा पक चुका है, और इसमें अब डालेंगे हम विनेगर, एक ढक्कन आधा विनेगर डालने के बाद, उसके बाद डालेंगे हम थोड़ा सा ये
क्या बोलते हैं इसको? हुचिङ और अजिनोमोटो, नेपाली में हुचिङ बोलते हैं और अजिनोमोटो बोलते हैं उसको। और थोड़ा सा नमक, ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि पास्ता जब डालेंगे उस टाइम भी हम लोग को नमक डालना पड़ेगा, तो अभी थोड़ा सा ही डालेंगे। अब इसको अच्छे से पकने देंगे। अब इसको थोड़ा सा कलर के लिए हम लोग डालेंगे लाल मिर्च, क्योंकि हम लोग को थोड़ा स्पाइसी पसंद है, उसमें डालेंगे थोड़ा लाल मिर्च। आप लोग कितना स्पाइसी खाते हैं? हम लोग तो थोड़ा ज़्यादा ही खाते हैं स्पाइसी। तो इसको अच्छे से अब सब चीज़ को पकने देंगे और उसके बाद हम डालेंगे चिकन। चिकन को भी उसको पकने देंगे, फिर पहले इसको पकने देंगे थोड़ी देर, तो थोड़ी देर ढक के रखेंगे हम लोग। अब अभी डाल लेंगे हम इसमें चिकन। अब इसको चलाएंगे अच्छे से, देखिए कितना अच्छा रंग आ रहा है अभी। अब ज़्यादा नहीं, लगभग 2 से 3 मिनट इसको थोड़ा सा पकने देंगे, उसके बाद ऐड करेंगे हम पास्ता। अब गाइस, अब बारी है मेन चीज़ का, पास्ता का। अभी हम डालेंगे इसमें और फिर से ऐड करेंगे नमक। थोड़ा सा ऐड करेंगे अजिनोमोटो, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा। अब इसके बाद डालेंगे सोया सॉस। इसको अच्छे से चलाएंगे अभी, उसके बाद फिर इसको पकने देंगे अच्छे से। अब इसको ढक देंगे, इसके बाद इसको एटलीस्ट 4 से 5 मिनट तक पकने देंगे। तो गाइस, बन चुका है हमारा, रेडी हो चुका है पास्ता, चिकन पास्ता। और इसमें लास्ट हम डालने वाले हैं दो चीज़। एक चीज़ तो हम लोग ज़्यादातर डालते ही है फसल में, जो है धनिया, धनिया। और दूसरा चीज़ हम लोग डालने वाले, आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं घर पे, जो है पुदीना। और ये पुदीना ज़्यादा नहीं डालना पड़ेगा, सिर्फ फ्लेवर के लिए आप लोग डाल सकते हैं। सो गाइस, देखिए हम लोग का ये पास्ता रेडी हो चुका है। यहाँ पर प्लेट पे हम लोग ने सर्व भी किया है और यहाँ पर है मेन चीज, चटनी। ज़्यादातर लोग पास्ता को सॉस के साथ अपने अपने तरीके से खाते हैं, मगर हम लोग ज़्यादातर चटनी। सो थैंक यू सो मच अब तक वीडियो देखने के लिए। तो अभी हम लोग डिनर इन्जॉय करने जा रहे हैं। सो थैंक यू सो मच आप सभी को, और चैनल पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।